गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों में राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का अपराधीकरण का अर्थ है राजनीति में आपराधिक तत्वों द्वारा धन और बाहुबल का प्रयोग। अनुचित दबाव राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है, अर्थात राजनीतिक अपराधीकरण से आशय होता है राजनीति में धन और बाहुबल का प्रयोग। यह अनुचित राजनीतिक दबाव के रूप में भी होता है, अर्थात राजनीतिक अपराधीकरण में अनुचित दबाव भी राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है, अर्थात राजनीति में आपराधिक तत्वों में धन और बाहुबल का प्रयोग और राजनीति में अनुचित राजनीतिक दबाव या अनुचित दबाव राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। राजनीतिक अपराधीकरण की प्रकृति पर बोहरा समिति की रिपोर्ट आई थी, अर्थात सरकार ने राजनीति में अपराधीकरण का पता करने के लिए कि वह किस स्तर तक है एक कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष थे बोहरा। उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण की प्रकृति पर अध्ययन किया और बोहरा कमेटी के नाम से एक रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट 1993 में आई। इस कमेटी का नाम था बोहरा समिति। बोहरा समिति की रिपोर्ट 1993 में आई थी। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में नेताओं, पुलिस और बाहुबलियों का एक गुट बन चुका है और यह गुट पूरे राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय प्रशासन और भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है, अर्थात भारत में नेता, अपराधी और पुलिस का एक तंत्र विकसित हो चुका है जिसे तोड़ना बहुत कठिन है। यह वोहरा कमेटी की रिपोर्ट थी। राजनीतिक अपराधीकरण को समाप्त करने के उपाय। राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता का कठोरता से पालन करना होगा, अर्थात अगर राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करना है तो जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता का पालन कठोरता से किया जाना होगा, अर्थात यह राजनीतिक दलों का कर्तव्य होगा कि वे अपने राजनीतिक उम्मीदवारों से, राजनीतिक दलों के नेताओं से आदर्श आचार संहिता का कठोरता से पालन करवाएं, ताकि राजनीति का अपराधीकरण कम हो सके। मतदान केंद्रों पर कब्जा करने और मतदाताओं को प्रभावित करने और डराने धमकाने वालों के विरुद्ध विधायी उपाय करने चाहिए। अधिकतर यह होता है कि मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया जाता है, मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है और डराया धमकाया भी जाता है, लेकिन इन सब के खिलाफ कोई उचित विधायी उपाय नहीं किए जाते। यदि मतदान केंद्रों पर कब्जा करने और मतदाताओं को प्रभावित करने और उन्हें डराने धमकाने वालों के विरुद्ध उचित विधायी उपाय किए जाएंगे तो राजनीति के अपराधीकरण में कमी आएगी और ये समाप्त हो जाएंगे। अतः उचित विधायी उपाय किए जाने चाहिए।
मतदान के दिन व्यक्तिगत वाहन चालन, शस्त्र लेकर चलने, शराब की बिक्री और वितरण आदि में संलग्न तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि मतदान के दिन व्यक्तिगत वाहन नहीं चलाए जाएं और शस्त्र लेकर चलने वालों पर तथा शराब की बिक्री और वितरण आदि में जो भी तत्व संलग्न है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए, ताकि राजनीति के अपराधीकरण को चुनौती दी जा सके। चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका को नियंत्रित किया जाए। देखा गया है कि चुनावों में अब धन की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। चुनाव एक बहुत खर्चीले स्तर पर किया जाने लगा है। यह इसके लिए यह आवश्यक है कि चुनाव में जो धन की बढ़ती हुई भूमिका है उसे नियंत्रित किया जाए। शासक दल द्वारा प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। शासक दल प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग नहीं करे, बल्कि शासक तंत्र को चाहिए कि प्रशासनिक तंत्र को प्रतिबंधित न करके उसे उचित उपयोग में ले। अर्थात शासक दल द्वारा आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करे। उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना देना अनिवार्य किया जाए। यह आवश्यक है कि जो उम्मीदवार है उनका आपराधिक रिकॉर्ड तैयार करवाया जाए और उसकी सूचना दी जानी अनिवार्य की जाए। यदि उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड जनता को पता होगा तो उन्हें मालूम होगा कि उन्हें किसे वोट देना है। इस तरीके से भी राजनीति को अपराधीकरण से बचाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग अनिवार्य किया जाए ताकि राजनीति का अपराधीकरण रोका जा सके। जनता में राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सबसे जरूरी उपाय है कि जनता में राजनीतिक जागरूकता हो। यदि जनता राजनीतिक रूप से जागरूक होगी, उन्हें मालूम होगा कि उनका उम्मीदवार कैसा है, तो वो उन्हें वोट ही नहीं देंगे और राजनीति को अपराधीकरण से बचा सकेंगे। आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों में